Hello everyone, this is Sayed Shahbaz. Today we are going to discuss about Deep Ocean Mission, दोस्तों. जी हाँ, आज हम ओशन एक्सप्लोरेशन के लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का किस तरह से स्टैंस रहा है और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जिसके वजह से हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो किस तरह से इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है. और रिसेंटली आपने देखा होगा यूनियन कैबिनेट में अभी जो एक रिसेंटली इन्होंने पास किया है कि आप जो है डीप ओशन मिशन एक्सप्लोरेशन किया जाए, उसमें कई सारे फेजेस बताए गए हैं. ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वन बाय वन, और साथ ही साथ हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी कंपेयर करने वाले हैं. तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो वीडियो है वो बीट्स यूट्यूब चैनल से पेश किया जा रहा है. आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि इस तरह से जो हमारा इंडिया भी एक्सप्लोरेशन में कहीं पीछे नहीं पड़े. ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च डीप ओशन मिशन, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा, और इनका मकसद ये है कि वो जो जितने भी मैराइन डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर किया जाए. एंड ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने. ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से मिनिस्टर के अंदर ये मिनिस्ट्री आती है? क्या उनका नाम है, बता सकते हैं मुझे? कमेंट सेक्शन में आप बताइए. राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ पे भी आया था. और ये मिशन सिमिलर इस तरह ही रहेगा जिस तरह इसरो ने जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन को लॉन्च किया गया था. राइट, और इनका जो मेन मकसद है कि जो हमारे जो सेंट्रल इंडिया जो ओशन बेसिन है उसके अंदर जो हम लोगों को अलॉट किया गया था वाया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बिट्स की अथॉरिटी ने, उन्होंने आपको हमको जो है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉकेट किया. ठीक, उसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जितने भी मिनरल्स हैं या प्रीशियस आइटम्स हैं. राइट, सारा कुछ हम एक्सप्लोर करने की उन्होंने परमिशन दी है. तो ये मिशन का यही मकसद रहेगा कि आप जो है डीप वाटर बॉडीज को एक्सप्लोर किया जाए. एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अनडिस्कवर्ड मिनरल्स हो गया. राइट, एंड लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज, कई तरह के स्पीसीज आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं. एंड बोथ मैन फोर्स एंड रोबोटिक मशीन्स, दोनों को भी इस मिशन के तहत यूज किया जाएगा दोस्तों. ओके, एंड टास्क लाइक डीप सी माइनिंग हो गया या फिर एनर्जी एक्सप्लोरेशन हो गया, एंड सर्वे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो भी पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं जो समुंदर में कई सारे शिप्स क्रैश हो चुके हैं, राइट, कई जो है शिप्स मिस्टीरियस बन चुके हैं, ये सारा कुछ अगर हमको मिल जाए तो आगे चलकर हम उसका इन्वेस्टिगेशन में करने की आसानी हो जाएगी. राइट, और ऑफशोर डेस्टिनेशन में हम कर सकते हैं, और कई सारे मिनरल्स मेनली आपको जो पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे. एंड दिस स्टडी एंड रिसर्च जो है आपको क्लाइमेटिक चेंजेस में भी पता लगाने में मदद मिल जाएगी. किस तरह से जो ओशन टेम्परेचर है, जिस तरह से आप ओशन के अंडर डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही चेंज हो जाएगा. उस ओशन टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, क्या क्या ऐसा फिनोमिनन्स है जो वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और अंडर वाटर जो टेक्नोलॉजीज है उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. राइट, तो चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ डीप ओशन मिशन को मैं आपको बता देता हूँ. इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है, इसका जो मेन सिग्निफिकेंस की अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उसको हम एक्सप्लोर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेन बात और मेन फोकस जो इम्पोर्टेंट मिनरल है जो कई सारे जगहों में यूज़ किया जाता है, वो नथिंग बट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, PMN इसको कहते हैं. ठीक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमको अलोकेट किया है ताकि वहाँ पर हम जाकर एक्सप्लोर कर सकें. ओके, बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा, ये 75,000 नहीं था, एक्चुअली 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स था. जब 1986 जब इंडिया एक पायोनियर इन्वेस्टर बना था तब हमको इतना एरिया अलॉकेट किया गया था, बट लेटर इंडिया ने कई बार रिसर्च की, वहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की, फिर बाद में रिमाइनिंग एरिया जो था उसको रिटेन कर दिया गया, उसको वापस कर दिया गया, एंड 75,000 हमको दे दिया गया था. राइट, तो वॉट इज PMN? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई लोगों को पता ही नहीं होता है PMN क्या होता है. देखिए, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, आपको फेरम हो गया, मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, ओके, एंड दे आर पोटैटो शेप, जैसे कि आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं. राइट, दे आर पोटैटो शेप एंड पोरस, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर की कोटिंग मिलेगी, एंड इस तरह से जो आप अगर अपीयरेंस में आप देखेंगे तो एक मिट्टी जैसा एक यू नो एक बॉल रहेगा जैसे आप छोटे बच्चे खेलते रहते हैं. राइट, सो इसी तरह से एक ब्लैक कलर का एक मिट्टी जैसा बॉल रहेगा, और इसकी जो साइज की अगर बात करेंगे आप तो इट विल रेंज फ्रॉम 2 to 10 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर, ओके, उतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा. और ये किस तरह से फॉर्म होता है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट, ये किस तरह से फॉर्म होता है, जब लावा
जब निकलता है ओशन के अंदर तो एक डीप इंटीरियर में जाकर वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, तो कई सालों के बाद इट विल यू नो हार्डन, वो हार्ड होके जो है एक मिनरलाइज्ड पाथ हो जाता है। एंड दिस रेयर अर्थ मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज ग्रेट सोर्स फॉर वैल्यूएबल मिनरल्स। इससे हम कई सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया। तो इस तरह के अगर हम रिसर्च के प्रॉपर एक माइनिंग शुरू कर देंगे तो आगे चलकर हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ हो सकती है, इस तरह के नॉडल्स को हम दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग दिस गोल्ड सिल्वर वी कैन ऑल्सो जनरेट एनर्जी ऑल्सो। ठीक, तो आगे चलकर हम इसको एनर्जी अगर जनरेट करेंगे तो हम लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आप देख रहे हैं, जिस तरह से जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो उसको हम भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो वेयर द टीम मिल बाइंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब 1987 में इंडिया एक पायोनियर इन्वेस्टर बन चुका था, ओके, तो हम लोगों को 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर दिया था दोस्तों, ताकि हम इस नॉडल को एक्सप्लोर कर सकें। ओके, फिर 2002 में इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद आईएसएल के साथ, ओके, और सी बेड अगर आप देखेंगे तो 50% उन्होंने सरेंडर कर दिया था एंड 75,000 स्क्वायर किलोमीटर आपको रिटेन कर दिया, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिलीज अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने जिन्होंने पब्लिश किया रिपोर्ट को, तो जो एस्टिमेटेड कहा गया है कि हमारे पास कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश की गई थी। तो उन्होंने बताया कि जिस पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ 380 मिलियन टन्स, ओके, तो हमारा जो एरिया है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, उसमें आपको 380 मिलियन टन्स के PMN मिलने वाले हैं, इस तरह से एस्टिमेट है। उसमें आपको 4.7 मिलियन टन का निकल रहेगा, राइट, 4.29 MT का आपको कॉपर मिल जाएगा, राइट, 92 मिलियन टन का मैंगनीज मिलेगा, कई सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इस तरह से इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है। ओके, तो आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो पहली बात जो है 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इन्होंने सेलेक्ट किया ताकि हम फर्स्ट जनरेशन माइन को शुरू किया जाए। तो अभी पॉइंट की बात करें तो इंडिया स्टैंड्स क्या है, अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली हिंदू आर्टिकल में भी एक यू नो पब्लिश किया गया था कि यूनियन कैबिनेट में हैज़ फाइनली दे हैव अप्रूव्ड कि कई सालों से दीप ओशन मिशन को जो चर्चा में चलती आ रही थी, तो फाइनली रिसेंटली इन्होंने भी अप्रूव कर दिया है। और इनमें जो है ये जो मिशन है ये 6 कॉम्पोनेंट्स में चलेगा दोस्तों। ओके, तो वन बाय वन मैं आपको सारे कॉम्पोनेंट्स बताऊँगा कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट में क्या होगा, सेकेंड कॉम्पोनेंट में क्या होगा, थर्ड कॉम्पोनेंट में क्या होगा, सारा कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो बजट की अगर बात करेंगे तो ये जो प्लान है 2018 से चलता आ रहा था कि हम इस तरह से एक मिशन को लेकर आएंगे ताकि हमारा जो एरिया है, जो एक्सप्लोरेशन एरिया है, उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाएँ, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, राइट, जो भी मिनरल्स हम लोगों को मिलते हैं उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें, जो फर्स्ट फेज है यानी पहले 3 साल 2021 से लेकर 2024 तक, यानी इस साल से लेकर 2024 तक जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 2,000 करोड़ पड़ेगा। ओके, पहले जो एक्सपेक्ट किया गया था 4,000 करोड़, बट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 2,822 करोड़। और ये कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंट, सारा कुछ डेटा उन्हीं के हाथों में। तो जैसे मैंने बताया आपको, देयर आर 6 कॉम्पोनेंट्स इन दिस प्रोग्राम। तो पहले कॉम्पोनेंट में ये लोग क्या करने वाले हैं, एक सबमर्सिबल मशीन को बनाएंगे दोस्तों। ओके, उसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा ताकि वो जाकर अंडर वाटर, अंडर डेप्थ एक्सप्लोर कर सकें। उनको कई सारे साइंटिफिक सेंसर्स रहेंगे वहाँ पे, उनको कई सारे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे ताकि जो भी मटेरियल्स हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कोई भी चांद पे जाए या फिर नासा वाले कोई मार्स पे रोवर भेज दें, तो उनका मकसद यही होता है कि वहाँ का मटेरियल हम कलेक्ट करके आए, उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती है। तो इसी तरह फर्स्ट कॉम्पोनेंट में अगर बात करें तो एक मैंड सबमर्सिबल मशीन, याद रखिए इट इज़ नॉट अनमैंड, ये मैंड, ये 3 लोगों की क्रू रहेगी इसमें, जो अंडर वाटर डेप्थ में जाकर 6,000 मीटर से इन्होंने डेप्थ भी बताया, वहाँ पे जाकर ये लोग रिसर्च करेंगे ताकि आगे चलकर हम किस तरह से माइनिंग को शुरुआत कर सकें और कहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉलीमेटालिक नॉडल्स मिलने के चांसेस हैं। सेकेंड कॉम्पोनेंट की बात करें, यहाँ पे आपको क्लाइमेट वेरिएबल स्टडी की जाएगी दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, एक ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा कि किस तरह से सीजन के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, और कई सालों से जो कई सारे मिनरल्स हैं वो दबक गए, राइट, अंडर वाटर जो है वो क्लोज हो चुके हैं, छुप चुके हैं, उसको भी एक्सप्लोर इसी कॉम्पोनेंट में किया जाएगा।
एंड नेक्स्ट कॉम्पोनेंट की बात करें जो थर्ड कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे इनका फोकस आपको फ्लोरा एंड फौना पे रहेगा. ओके, फ्लोरा एंड फौना आप सभी लोग जानते हैं राइट, तो इंक्लूडिंग माइक्रोब्स हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया या किस तरह से वायरस है या हम लोगों को कोई कोरल रीफ मिलने वाली है या यहाँ पे इससे पहले सो बिफोर आपने देखा होगा जब अर्थ हमारा फॉर्म हो रहा था राइट, जो जब सिर्फ दो लैंड्स थे, अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, तो उस वक्त क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या टेम्परेचर में चेंजेस हुआ था, सारा कुछ आप थर्ड कॉम्पोनेंट में स्टडी करने वाले. एंड फोर्थ कॉम्पोनेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, यहाँ पे जो है हाइड्रोथर्मल मिनरल्स को सर्च किया जाएगा दोस्तों. क्योंकि अर्थ क्रस्ट में हम लोगों के एक रिसर्च में पता चला है कि हमारे पास ऐसे हाइड्रोथर्मल मिनरल्स है, उसको हम यूज कर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे चलकर. आपने देखा होगा जैसे हाइड्रोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है टर्बाइंस को यूज कर या डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स को यूज कर, अगर हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे उसको भी हम एनर्जी में डेवलप कर सकते हैं. एंड फिफ्थ कॉम्पोनेंट की बात करें, यहाँ पे आपको ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन के बारे में बताया गया. ओके, यहाँ पे बड़े बड़े आपको डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे. ओके, डिसैलिनेशन प्लांट्स का मकसद क्या है, वो जो डिफरेंस इन द सॉल्ट रहेगा राइट, उस डिफरेंस से लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ओशन से सी का जो सॉल्ट क्वांटिटी रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, उसकी वाटर डेंसिटी अलग रहेगी, और ओशन का जो डेंसिटी रहेगा वाटर वो अलग रहेगा. तो उसको डिफर करते हुए वहाँ पे कई सारे प्लांट्स को लगाए गए हैं ताकि आगे चलकर हम एनर्जी को डेवलप कर सकें, इसी को उन्होंने ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन कहा है. एंड फाइनल कॉम्पोनेंट, यहाँ पे आपको ओशन बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया जाएगा, उसकी इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा जाएगा. ओके, ताकि आगे चलकर हम जो भी हम लोगों को मिनरल्स मिलेंगे या फिर जो भी हम लोगों को कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे उसको हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ओके, क्योंकि कई सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, फ्रांस ले लीजिए आप, जापान ले लीजिए, जापान तो सबसे आगे है, आगे में हम यू नो कंपैरिजन विद नेशन के पर जब पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा, जापान सबसे आगे है, चाइना से भी आगे है जापान. ओके, उसने तो एक्सप्लोरेशन 1967 में ही स्टार्ट कर दिया गया. तो इस तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये सारे मिनरल्स को यूज़ करने लगेंगे तो आगे चलकर हमारा जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, उस पर हम खड़े उतरेंगे कि हमारे भी कंपोनेंट सारे दुनिया में यू नो एक्सपोर्ट किया जा सकता है विद गुड क्वालिटी एंड चीप प्राइस. तो अभी एस्टिमेट किया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया 380 मिलियन टन्स का पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स अभी अवेलेबल है. तो स्लोली स्लोली इसको फर्स्ट जनरेशन माइनिंग करने की बात की गई है. जैसे फर्स्ट फेज जैसे मैंने आपको बताया 3 साल तक इस पर्टिकुलर एरिया में जो 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन्होंने डिसाइड किया है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन की जाएगी. तो देखते हैं. और उसके साथ साथ हमारे पास जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हर कंट्री के पास इस तरह से इकोनॉमिक जोन होता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया भी है. तो आगे चलकर वहाँ पे भी जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो रही बात गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, तो अभी तो आपने देख लिया कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली दीप ओशन मिशन को पास कर दिया है, बट इससे पहले क्या हमारे पास ऐसे कोई इनिशिएटिव्स थे, क्या हमारे पास कोई ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स थे, उसके बारे में आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बता देता हूँ. तो 2020 की अगर बात करें तो इंडिया और नॉर्वे ने एक ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डील साइन की थी दोस्तों. तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों कंट्री मिलकर हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से वो एक्सप्लोर करेंगे. ओके, आपकी टेक्नोलॉजी और हमारी जो टेक्नोलॉजी उसको एक्सचेंज किया जाएगा. नेक्स्ट हो गया सागरमाला प्रोजेक्ट, जैसे आप कई बार न्यूज आर्टिकल्स में या फिर पेपर्स में न्यूज चैनल्स में सुनते आ रहे होंगे. तो सागरमाला प्रोजेक्ट इज नथिंग बट पोर्ट लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव. ओके, जितने भी पोर्ट्स एरिया हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की गई. एंड नेक्स्ट इज ओ स्मार्ट. ओ स्मार्ट इज नथिंग बट इंडिया का एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत जो है हम ओशंस को या फिर मराइन रिसोर्स को उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कोई जो है बाहर की कंट्री एक्सप्लॉयट ना कर दे, वहाँ की जो मराइन डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व कर सकें और जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको एक्सप्लोर कर सकें ताकि आगे चलकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक बैलेंस बना रहे इकोसिस्टम. तो इस तरह का भी एक स्कीम लॉन्च किया गया. नेक्स्ट कंपैरिजन विद अदर नेशंस, तो इसमें हम कंपेयर करेंगे विद चाइना, विद जापान, कोरिया, यूएसए, राइट, सारे कंट्रीज में कंपेयर करेंगे कि हमारा इंडिया का स्टैंड क्या है, हमारे इंडिया का नंबर किस पे आएगा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, जो अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोगों को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर अलोकेट किया गया. तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आपको सेंट्रल पैसिफिक ओशन में भी मिलेंगे दोस्तों. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन कहते हैं. सो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में आपको सेंट्रल ओशन पैसिफिक ओशन जो एरिया है वहाँ पे भी आपको पीएमएन पाए गए हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस आईएसए वेबसाइट की अगर बात करें
तो 15 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द पीएल. उसमें आपको कई सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि कुछ इन्होंने मेंशन किया, फेरोमैंगनीज हो गया, राइट, कोबाल्ट रिच हो गया. तो इस तरह से कई सारे देशों मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने साइन किया है. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था लेटर, उसको 2022 तक भी एक्सटेंड कर दिया गया. इसमें आपको चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, जो आसपास के उनके जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कुक आइलैंड, किरीबाती आइलैंड, इन्होंने भी डीप साइन, जो डीप सी माइनिंग में भी हिस्सा लेने की बात की है. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है, स्पेशली जापान, ऑलरेडी इन्होंने अपने टेक्नोलॉजीज को भी स्टार्ट कर दिया है टेस्टिंग. ओके, और चाइना जो है स्टिल इट लैग बिहाइंड जापान. हर फील्ड में चाइना आगे रहता था, बट इस बार जापान ने उसको ओवरटेक कर दिया. तो जापान इस यू नो आगे है, कोरिया हो गया, वेस्टर्न नेशन जितने भी हैं, बिकॉज इनकी जो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई थी वो 1967 में ही स्टार्ट हो चुकी थी. तब इन्होंने पहला टेस्ट किया गया था अंडर 4500 मीटर्स डेप्थ के अंडर. ओके, इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था. उसके बाद फ्रांस कंट्री उभर कर आए, उसका यूएसए ने स्टार्ट किया इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके. ओके, एंड द लीडिंग डीप सी माइनिंग है, कई सारे फर्म्स हैं, जैसे कि नॉटिलस मिनरल्स हो गया, ये कई सारे ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उन्होंने भी जो है डीप सी एक्सप्लोरेशन का काम किया. तो चाइना की बात करें तो उन्होंने अपने फर्स्ट जो 12th फाइव ईयर प्लान और 13th फाइव ईयर प्लान में भी एक प्रॉपर यू नो ब्लू प्रिंट तैयार किया गया था कि किस तरह से ये लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे चलकर. जो उनकी चाइना ओशन मिनरल रिसोर्स जो एसोसिएशन है, उनकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने भी इस तरह से एक ब्लूप्रिंट को पब्लिश किया गया था ताकि आगे चलकर उनकी टेक्नोलॉजी भी इस तरह से एक्सप्लोर किया जाए. तो मेन मुद्दा ये है कि इज इट इकोनॉमिकली वायबल, क्या ये करना सही है, इसकी वजह से क्या आप जो है ओशन के बेड्स को या फिर उसके लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू ISA, जैसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, उनका ये कहना है आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च दे हैव डन, कि अगर आप 3 मिलियन टन से उससे ज़्यादा या मतलब उससे कम अगर आप करेंगे पर ईयर तो इट विल बी वायबल. ओके, अगर उससे ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर रहे हैं देन इट विल कॉज श्योरली डैमेज टू द मैराइन बायोडाइवर्सिटी. ओके, या तो आप 3 मिलियन टन कीजिए या उससे कम कीजिए. और मोस्ट ऑफ द स्टडीज आर बीइंग कैरिड आउट, अभी कई सारे रिसर्च चल रहे हैं कि आगे चलकर हम किस तरह से उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाए. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या रहेगा, दिस इज ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू IUCN, आप कई बार इनका नाम सुना होगा, राइट, इन्हीं के जरिए से जो है एक स्टेटस को, कंजर्वेशन स्टेटस को पब्लिश किया जाता है, क्रिटिकली डेंजर्ड वनरेबल, राइट. तो इनका ये कहना है कि अगर आप लगातार एक्सप्लोर करते आएंगे तो वहाँ पर ऐसे स्पीसीज भी हो सकते हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, राइट. तो अभी तक हमने कभी इंटरनल वाटर इतना डेप्थ जो है कभी गया नहीं, तो वी कैन नॉट सी ऑब्वियसली. तो इसके एक्सप्लोरेशन की वजह से ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, इवन बिफोर वी सी. हम लोगों को देखने से पहले ये स्पीसीज ख़त्म होने के कई सारे चांसेस हैं, बिकॉज उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एरिया पे उनको सेट हो रही होगी. उनका जो पूर ऑक्सीजन, उनकी बॉडी को जो है कम सनलाइट होने की ज़रूरत पड़ती है, हाई प्रेशर होना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जाके बेड पे नीचे जो ओशन बेड है वहाँ पे सेटल हो जाते हैं. अगर आप सडनली एक्सप्लोर करेंगे दे विल कम्प्लीटली गो इन टू एक्सटिंक्ट बिफोर हम लोग देखने से पहले वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो ये सच माइनिंग एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कैन मेक देम गो एक्सटिंक्ट इवन बिफोर दे नोन टू साइंस. तो बस वे फॉरवर्ड में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ है, जो गाइडलाइंस उन्होंने इशू किया है कि आप इतने टन्स तक ही या फिर इतने टन्स तक आप निकाल सकते हैं, तो उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ नेचर एंड ह्यूमन बींग. अगर हम उन लोगों को जाकर डिस्टर्ब करेंगे इट विल कॉज ए इनवर्स रिवर्स इफेक्ट फॉर अस ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीट्स यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. द बीट्स फॉर यू नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है. भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ. बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज. सब्सक्राइब बीट्स यूट्यूब चैनल, लाइक फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम. विजिट इट्स वेबसाइट द बीट्स फॉर यू .com.